हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं वो है फाइनेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हम जानेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज के बीच का डिफरेंस। इस पे हम पहले भी एक दो वीडियो कर चुके हैं जहाँ पे हमने ये सारे लीवरेज के जो रेशियोज होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और आज के इस वीडियो में हम इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। सबसे पहले इन तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑपरेटिंग लीव। उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज़ याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक जो कि है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के। इन तीनों के जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, इन तीनों को क्यों निकाला जाता है, क्यों देखा जाता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है किसी भी एक एंटरप्राइजेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, फाइनेंशियल लेवरेज का क्या ऑब्जेक्टिव है और कंबाइंड लेवरेज का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेटिंग लेवरेज एम्स टू ऑप्टिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल टू द चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आप अपने सेल में कुछ चेंज करते हो, सेल को थोड़ा सा और बढ़ाते हो तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है यानी कि एक तरीके से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें भी चेंज आ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने चेंज जो किया है सेल में उससे होने वाला जो इम्पैक्ट है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे वो क्या पड़ा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो जाना जाता है किससे, आपके ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में ये पता चलता है कि आपके जो भी सेल में आपने चेंज किया है उससे आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया है। वहीं फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज में अटेम्प्ट किया जाता है टू ऑप्टिमाइज द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन अर्निंग पर शेयर। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो चेंज हुआ है उससे आपका अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज हुआ है उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। वहीं कंबाइंड लेवरेज में इन दोनों के जो लेवरेज होते हैं उसको एज कंबाइंड करके देखा जाता है। कंपोजिट इन यूज टू डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स रिवेन्यू एंड टैक्सेबल इनकम। एक तरीके से इंटर रिलेशनशिप हो जाता है बिटवीन किसके, सेल्स के, रिवेन्यू के एंड टैक्सेबल इनकम के। तो इन तीनों चीज़ों से यहाँ पे जो है डिफरेंस देखा जाता है। अब मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट, अब इनकम इम्पैक्ट कैसे मेजर किया जाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज का अगर आपको इम्पैक्ट देखना है तो आप वो कैसे मेजर करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ पे किस चीज़ का इम्पैक्ट मेजर होता है, यहाँ पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कि यहाँ पे कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसा है जो फिक्स्ड है जिसके कारण से चेंजेस हो रहा है या जिसके जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इम्पैक्ट यहाँ देखा जाता है। वहीं फाइनेंशियल लेवरेज में इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो आपका इम्पैक्ट होता है वो किस पे मेजर होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के, कितना इंटरेस्ट आप दे रहे हो जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज आ रहा है। इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि ऐसा अमाउंट जिसमें से अभी आपने ना ही अपना इंटरेस्ट पेमेंट की है ना ही अभी टैक्स की पेमेंट की है। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ अर्निंग हो रही है, कौन सी अर्निंग, जो कि आपकी एक तरीके से प्योर एक एवरेज नहीं प्योर अर्निंग है जहाँ पे अभी कुछ नहीं काटा पीटा गया है, एक ऑपरेटिंग अर्निंग यहाँ पे आपकी निकल के आई है कि ऑपरेशन से आपकी कितना अर्निंग हुआ है। सो इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही आपका जो है इम्पैक्ट मिलता है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वहीं फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में अर्निंग बिफोर टैक्स। यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका कितना था, पहले आपका कितना अमाउंट बन रहा था बिना इंटरेस्ट और टैक्स दिए, अपॉन में अब आपका कितना अमाउंट पड़ रहा है जो है टैक्स को पेमेंट करने के बाद। तो यहाँ पे आपको पता चलता है यहाँ पे किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंटरेस्ट का, क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट इंक्लूड है नीचे इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे इंटरेस्ट का इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहीं कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि इन दोनों फॉर्मूले को आप इंटू करके अगर लिख दो तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला निकल जाता है। बट आप यहाँ कहोगे कि कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीटी ही तो लिखा है, वो क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों को क्रॉस जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे तो ईबीटी से ईबीआईटी जो है कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका क्या बचेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे जो है एक मेन यही निकल के आएगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन और कितना आ रहा है और अर्निंग बिफोर टैक्स आपका कितना बन रहा था। नाउ इट रिलेट्स विद ऑपरेटिंग
लेवरेज आपका किससे रिलेट होता है, इट रिलेट्स विद सेल्स एंड ईबीआईटी। यहाँ पे किस किस का रिलेशनशिप होता है, सेल्स का और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का। यहाँ पे किस किस का रिलेशन होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ईबीटी। देखो जो फॉर्मूला है उसी को यहाँ पे देखा गया है कि इन दोनों के बीच का आप जो है रिलेट कर रहे हो। सो इट रिलेट्स विद सेल्स एंड ईबीटी। प्रेफरेबल, जो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है ये अगर लो डिग्री का होगा तो ये क्या होगा, प्रेफरेबल होगा। अगर आपका लो डिग्री का ऑपरेटिंग लेवरेज है तो वो प्रेफरेबल है। फाइनेंशियल लेवरेज अगर हाई डिग्री का है तो वो प्रेफरेबल है। वहीं कंबाइंड लेवरेज के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग लेवरेज आपका लो हो और फाइनेंशियल लेवरेज आपका हाई हो तो वो एक प्रेफरेबल होता है। तो ये था एक शॉर्ट में आपका डिफरेंस इन तीनों का, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा डीप में इन तीनों के बारे में जानना है तो हमने वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम आपको बता चुके हैं। आज सिर्फ हमने इस वीडियो में आपको इन तीनों का डिफरेंस बताया जो कि एक तरीके से सिर्फ रिविजन के पर्पज से था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।